आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IBCSI OS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि रिजल्ट डेट कब हो आएगा, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और टीयर टू का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और आगे आराम से सभी चीज़ों की जानकारी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी रिजल्ट डेट कब तक आने वाली है। रिजल्ट डेट आने वाली है कब तक, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था दोस्तों। आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, इससे पहले का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का चला था 18 से 20 फरवरी के बीच में, ओके। और जिसके चार डेज के बाद ही आंसर किया गया था आप लोगों का। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से एक मंथ के अंदर ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 18 मार्च से पहले आ जा सकता है दोस्तों, टिल 18 मार्च, ओके। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कटअप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैं कटअप बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूँ तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, जो 2017 का जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था और इस बार एग्ज़ाम के 2021 के एग्ज़ाम के मैं कुछ बातें बता दूं तो आप लोगों को कटअप का अंदाज़ा हो जाएगा, ओके दोस्तों। जो 2017 का कटअप है दोस्तों, 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें टोटल वैकेंसी 1300 थी और 2021 की वैकेंसी टोटल 2000 थी, ओके। तो पिछली बार से इस बार की वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म फिलअप भी पिछले बार के कंपेयर में इस बार ज़्यादा हुआ है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल के लिए, तो इसके कंपेयर में 2021 में जो था क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत हाई था दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल हाई था। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन का लेवल हाई होने के अलावा जो इसमें इस बार विद्यार्थी पहुंचे हुए थे वो भी वैकेंसी के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल के कंपेयर में 1300 थे, अगर रेशियो आप निकालेंगे तो आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो पिछली बार का जो कटअप गया था, हम लोगों को पता है कि 2017 का कटअप रिजर्व कैटेगरी का 65 गया था, तो इस बार भी 65 तक ही जाएगा दोस्तों, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। मैं आगे बात करता हूँ कि क्या क्या होगी इस कटअप के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कटअप देखते हैं दोस्तों। अगर आपका 58 से प्लस स्कोर है दोस्तों तो आप सेफ में हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 65 तक हो सकता है, लेकिन अगर आप 65 में अभी हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात आगे बढ़ते हैं। अगर OBC में हो आप, अगर आपका स्कोर 52 प्लस है तो आप सेफ माने जा सकते हो, ओके दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। SC की अगर आप कैटेगरी के लोग हों और आपका कटअप 48 प्लस है तो आप सेफ हो, ओके। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं ST के बारे में। तो जो ST का कटअप है दोस्तों वो 47 प्लस है, तो आप लोगों को अगर इतना मार्क्स है, अगर ST की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप सेफ हो, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो लास्ट है हमारी कैटेगरी वो है EWS, अगर आपका 55 प्लस है तो आप सेफ हो दोस्तों, 55 प्लस है तो आप सेफ हो, आप टीयर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे एग्ज़ाम एनालिसिस कराया जाता है, कटअप के बारे में बताया जाता है और भी रिजल्ट कब आने वाली उसके बारे में बताया जाता है, टोटल कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताया जाता है और फॉर्म फिलिंग कैसे की जाती है वो बताया जाता है। और बहुत जल्द हम लोगों ने फ्री बैच यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।